आपके पास हाईवे है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक टावर है, ये आपके पास टावर हो गया, टावर, ठीक है। ये जो हाईवे है वो कहाँ जा रहा है, फुट ऑफ टावर तक। अब इसमें आगे क्या बताया है, इमेंस स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टावर, यहां से देखने पर, ठीक है, क्या कहा गया है, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यहां से देखने पर उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री, ये जो एंगल है आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा, 30 डिग्री। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। फिर इसने क्या कहा, आफ्टर 6 सेकेंड, देखो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अगर ये कार इधर टुवर्ड्स टावर जा रही है तो आफ्टर 6 सेकेंड ये जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी आपके पास क्या रहेगा, 60 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल की गई है, इन 6 सेकेंड। टाइम कितना लगा है यहाँ पे, 6 सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको नाम देंगे, ये रहा 90 डिग्री का एंगल, ट्रेवल का नाम है ए बी, ये पॉइंट आपके पास सी और ये हो गया आपके पास डी पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिखेंगे और आपको फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम आपको फाइंड करना है, ये टाइम आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक है। इसको हमने क्या ऐड कर दिया, एच, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, ठीक है। टाइम टेकन बाय कवर डिस्टेंस बीसी, ये आपको फाइंड करना है, बीसी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, और आपको ये टाइम गिवन है, टाइम टेकन बाय का टू कवर डिस्टेंस सी डी, कितना दे रखा है, 6 सेकेंड, ठीक है। और ए से डी का एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ए से सी का एंगल 60 डिग्री। यहां से हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे, ए बी डी, ए बी डी, थीटा कितना दे रखा है इसमें, 30 डिग्री, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, बी डी आपके पास बेस, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन, और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। ए बी हमने क्या लिख कर रखा है, एच, और बी डी हमारे पास क्या है, एच डी रखे, बी डी इक्वल्स टू टेन, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस में इंटू कर देंगे, क्रॉस में इंटू कीजिए तो आपके पास एच रूट थ्री इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू एच रूट थ्री, ये आपके पास बी डी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन
सी, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस। पी एफ ऑन बी आपका क्या होता है 10 और थीटा कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, एबी की वैल्यू आपके पास क्या है एच और बीसी हमें पता नहीं, बीसी को एज इट इज रखेंगे और इक्वल्स टू में 10 60 की वैल्यू आपके पास होती है रूट 3। यहां से हम इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस में इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एच इक्वल्स टू बी सी रूट 3। आपके पास क्या आ जाएगा बी सी रूट 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में एच की वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। फर्स्ट में हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू क्या है बी सी रूट 3। ठीक है, और एच के बाद यहाँ पे क्या था रूट 3, वो एज इट इज रूट 3। बी डी, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी दो डिस्टेंस का सम है बी सी प्लस सी डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी और इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 3 बी सी। इस बी सी को हम इधर लेके आएंगे, सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बी सी और ये बी सी इधर जाके माइनस हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बी सी। अब इस 2 को इधर ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय 2 सी डी इक्वल्स टू बी सी। आपके पास BC की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2 सी डी। ठीक है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसकी सी डी की। हम क्या लिखेंगे यहां पे टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस सी डी इक्वल्स टू 6 सेकेंड और यहां पे हम 6 सेकेंड वैल्यू पुट कर दें 1 बाय 2 इंटू में 6 इक्वल्स टू बी सी, 2 के टेबल से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस बी सी कितना आ जाएगा टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ये भी आपको फाइंड करना है। ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 4 मीटर एंड 9 मीटर, जो टावर के पास
डी लेट द हाइट ऑफ लेट द हाइट ऑफ टावर टावर की हाइट को हम क्या लेट कर लेते हैं एच ये जो हाइट है उसको एच लेट कर लेते हैं ए बी इक्वल्स टू एच ठीक है और हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर एच की वैल्यू 6 आ जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा और डिस्टेंस DC 4 मीटर दे रखा है आपको CD डिस्टेंस दे रखी है आपको 9 मीटर ठीक है सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहां पे थीटा कितना है आपका थीटा की वैल्यू हमने थीटा ली लेट कर रखी है और फाइंड क्या करना है हमें नेक्स्ट तो हम क्या लिखेंगे AB अपॉन DC equals to AB B है BC this P upon B क्या होता है tan theta theta की वैल्यू हमारे पास है नहीं इसलिए हम इसको theta ही रखेंगे AB हमने क्या लेट कर रखा है H BC हमारे पास कितना है 4 meter equals to tan theta H की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से H equals to 4 tan theta ये आपके पास आ जाएगी equation number इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल लेके चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी यहां पे थीटा आपके पास कितना है 90 माइनस थीटा ठीक है और हमें फाइंड क्या करना है ए बी यहां पे लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए बी क्या है परपेंडिकुलर बी डी आपका क्या है बेस ठीक है फिर यहां पे पी अपॉन बी कितना हो जाएगा 10 ठीक है और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा ओके इसके बाद हम एबी की वैल्यू पुट करेंगे एबी की वैल्यू कितनी है आपके पास एच बीडी कितना है 9 इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा कोट थीटा में एक्सरसाइज 7.2 में हम ये पढ़ चुके हैं क्या 10 90 माइनस थीटा जो है फॉर्मूला वो किसमें चेंज होता है cot theta ठीक है तो 1090 माइनस थीटा को हम किसमें चेंज कर देंगे cot theta में इसको हम इधर लेके जाएंगे तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9 cot theta ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इनटू कर दें ठीक है तो आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा h स्क्वायर 9 4 जा 36 tan theta और cot theta आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इनटू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा h इनटू h इक्वल्स टू 4 इनटू 9 cot थीटा इनटू 10 थीटा cot थीटा इनटू 10 थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है अभी बताती हूं कैसे देखो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम cos theta upon sin theta और tan theta को क्या लिख सकते हैं sin theta upon cos theta ठीक है cos से cos कट जाएगा sin से sin कट जाएगा आपके पास क्या रहेगा 1 into 1 into 1 तो यहाँ पे जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो h square equals to 36 into 1 h square equals to 36 और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट और आपके पास क्या आ जाएगा h equals to 6 मीटर ठीक है अब लास्ट में क्या लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ टावर equals to 6 मीटर ये भी आपको फाइंड करना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड आर सिचुएटेड द एंगल्स ऑफ डिवीजन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट द रूफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है
ये आपकी बिल्डिंग है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है, एक टावर। ये आपके पास क्या है, टावर। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, तो कौन से एट द रूफ, पहले रूफ का दे रखा है ये एंगल, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये एंगल कितना दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना गिवन है, 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री, दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है बेस ऑफ बिल्डिंग, बेस ऑफ बिल्डिंग ये आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, नाम दीजिए इसको ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग भी गिवन है, ये आपके पास बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी गिवन है, 12 मीटर। अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 12, वो यहां पर भी 12 ही होगी, ये भी 12 मीटर होगी डिस्टेंस। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेते हैं, h मीटर। ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, h मीटर। नाम दे दो इसको d और ये पॉइंट हो जाएगा आपका e। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, ए बी, ए बी इक्वल्स टू 12 मीटर, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, इस हाइट, इस डिस्टेंस को हम क्या लिख कर लेते हैं, एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी क्या होगी, एक्स ही होगी। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख कर लेंगे, फिर एक्स लिख कर लेंगे, लेट BC equals to X, और वो किसके इक्वल होगी, फिर AD के भी इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे ADE इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE, थीटा कितना गिवन है इसके अंदर, 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू लिखिए, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, ED फाइंड करना है H, जब H मिलेगा तो उसको हम 12 में ऐड करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ED अपॉन क्या लिखेंगे, AD। ED क्या है, P, AD क्या है, B, P अपॉन B क्या होता है, 10, और थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, ED की वैल्यू आपके पास क्या है, H, और AD की वैल्यू आपके पास X equals to 10, 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1, इसको इधर लेके जाएंगे, H equals to X, H और X दोनों क्या आ गए, इक्वल, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे B C E इन राइट एंगल ट्रायंगल B C E, थीटा कितना गिवन है इसके, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, CE अपॉन BC इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू 10, थीटा कितना है, 60 डिग्री। CE आपके पास क्या है, H प्लस 12, BC आपके पास क्या है, X इक्वल्स टू 10, 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, और h प्लस 12 अपॉन h इक्वल्स टू √3। इस h को इधर लेके जाएंगे, h प्लस 12 इक्वल्स टू h √3, इस h को इधर लेके आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू h √3 माइनस h, इधर से आपके पास क्या आ जाएगा,
वैल्यू पुट करने के बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू h इनटू में 0.732 0.73 इधर आके 12 को डिवाइड करेगा 0.732 इक्वल्स टू h पॉइंट बताएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 1000 चला जाएगा डिवाइड करो इसको टू की टेबल से 2 3 6 2 6 2 6 2 6 2 8 16 2 3 6 2 3 6 3 की टेबल से 3 1 3 3 6 और 3 1 इसको जब आप डिवाइड करोगे 1000 अपॉन 61 इक्वल्स टू h 61 से जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 16.393 मीटर ये आपके पास h की वैल्यू आई है लेकिन हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा h के अंदर 12 को ऐड करना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी आपके पास ED प्लस CD ED आपके पास कितना है h प्लस 12 h की वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी है आपके पास 16.393 प्लस 12 इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 28.393 मीटर यही आपको वैल्यू आ जाएगी 5.3 मीटर ठीक है
बीडी क्या है आपके पास? बेस और एबी परपेंडिकुलर। क्या होता है रेशियो? कोण। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। बीडी को हम क्या लिख सकते हैं? बीडी को हम लिख सकते हैं क्या? बीसी प्लस सीडी। लेकिन हम अभी बीडी ही रखेंगे। बीडी अपॉन एबी की वैल्यू क्या है? 15 इक्वल्स टू कोण 30 की वैल्यू √3। इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 √3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर सेट। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है? दोनों शेडो में डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, एक शेडो आपकी बीडी है, जो बड़ी शेडो है वो क्या है? बीडी। इसमें से आपको क्या फाइंड करना है? माइनस करना है, बीसी को माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ शेडो क्या होगा? बीडी माइनस बीसी। बीडी की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 15 √3, उसमें से 5 √3 को माइनस कर देंगे। 15 में से 5 माइनस करेंगे, 10 √3 एज इट इज। रूट 3 की वैल्यू पुट कीजिए, 10 × 1.732। पॉइंट हटाएंगे अकाउंट में, 1000 जीरो से जीरो कट जाएगी। अब आपके पास अकाउंट में क्या है? 100, तो पॉइंट कहां लग जाएगा? 17.32 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ शैडो इक्वल्स टू 17.32 मीटर। और ये भी आपको क्या करना था?